नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश सिंह और आप सभी का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आने वाले हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जामों में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए यूजर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आइए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माता टीला बांध किस नदी पर बना था? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन ने पूछा का माता टीला बांध किस नदी पर बना था, जो कि माता टीला बांध जो कि यहाँ बेतवा नदी पर बना था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी सदैव के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछा का महात्मा गांधी सदैव के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो फ्रेंड, 1915 में महात्मा गांधी सदैव के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछा है वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है। तो फ्रेंड, आपको बता देता हूँ, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछा का चेचक के टीके की खोज किसने की है। तो फ्रेंड, चेचक के टीके का खोज जेनर ने किया है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा पर पेंडुलम का समय चक्र? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछा का चंद्रमा पर पेंडुलम का समय चक्र किस प्रकार से सामान्य रहता है, शून्य रहता है, या घटता है, या बढ़ता है। तो फ्रेंड, आपको बता देता हूँ, समय चक्र जो कि चंद्रमा पर पेंडुलम का समय चक्र बढ़ता है हमेशा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जनरल वेल के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन ने पूछा का सामान्य इच्छा के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था, वो कौन थे? फ्रेंड, जो कि रूसो ने सामान्य इच्छा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन ने पूछा का जो 1817 में हिंदू कॉलेज था, उसे कलकत्ता में इनमें से किसने स्थापित किया है? तो फ्रेंड, डेविड हेयर ने जो कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहू को मुगल केस से किसने मुक्त किया? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन ने पूछा का साहू को मुगल केस से किसने मुक्त किया था? तो फ्रेंड, ऑप्शन नीचे दे रखे हैं और साहू को मुक्त किया था वो औरंगजेब ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछा का रानी लक्ष्मी बांध कहाँ अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में पूछा का मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड, मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, इसलिए लड़खाना जिले से जो मोहनजोदड़ो स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।